खंड के गांव बरसत के गांव डेरा संजय नगर में बिक रहे नशीले पदार्थ से गांव के लोग काफी परेशान हैं। आज गांव के काफी लोगों ने इस बात की शिकायत सीएम विंजो व एसपी करनाल तथा घरोंडा थाना अध्यक्ष को की है। शिकायत में कहा गया है कि डेरा संजय नगर के लगभग 2 दर्जन व्यक्ति गांव में नशे का व्यापार करते हैं, जिसमें सुल्फा, गांजा, दारू खुलेआम बच्चों को भी दे रहे हैं, जिससे भावी पीढ़ी नशे को दलदल में धंसती जा रही है। इस बात की शिकायत आज काफी महिलाओं व ग्रामीणों ने सरपंच को भी की। गांव के सरपंच जगदीश भी इस नशे के खिलाफ नजर आए। सिमरन, सतविंदर, साधना, अमर कौर, गुरदीप, प्रताप सिंह व ग्रामीणों का कहना है कि यह नशे का व्यापार काफी समय से चल रहा है और बार बार रोके जाने पर भी यह लोग नहीं मानते और लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। बहुत बिकास है तो गांजा सुल्फा भी, छोटे बच्चा भी कम से कम 20 आदमी सुल्फा गांजा दारू बेचने वाले हैं। कम से कम 20 आदमी नानी भी पीते हैं, मारती भी पीते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बिगड़े हैं, घर वाले हमारे पी के मारे पड़े रहते हैं, हम काम करके। मेरा लड़का भी था नशा गांजा पीता है, छोटा 12 साल का लड़का है, 12 साल का लड़का है और गांजा पीता है। डेरे में सारा गांजा बिक रहा है, कुछ इंतजाम करो डेरे में।